हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अमरनाथ जायसवाल। आज मैं आपको सिमेंटिक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन मैनेजर में पॉलिसी के हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक के बारे में बताऊंगा कि हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक कैसे लगाते हैं और इसका क्या यूजेज है। तो सबसे पहले पॉलिसी में आ जाते हैं। पॉलिसी आने में यहाँ पर आपको देखेगा हॉस्ट इंटीग्रिटी। हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक है, इसमें प्री डिफाइंड ऑलरेडी बना हुआ है, किसी भी ग्रुप पे अभी एप्लीकेबल नहीं, अप्लाई नहीं है। तो इसको अप्लाई आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से असाइन द पॉलिसी, आप जैसे यहाँ से राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके और एटीएस ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं। यस, ठीक है। अब देखिए एक काउंट आ गया। और इसमें कैसे लगाते हैं हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक, एडिट हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक ऐसा होता है जैसे कि किसी तरह का हेल्थ चेक करना होता है क्लाइंट कंप्यूटर का, कि हेल्थ ठीक है नहीं है। वो नेटवर्क के थ्रू वो चेक करता रहेगा कि आपका एंटीवायरस है, पैचेज है, स्पाइवेयर है, फायरवॉल ऑन है, ऑफ है, इस तरह के ये इंटीग्रिटी को चेक करता है। तो इसी तरह के रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट में आपको इसमें ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑलवेज डू हॉस्ट इंटीग्रिटी चेकिंग, ओनली डू हॉस्ट इंटीग्रिटी चेकिंग व्हेन कनेक्टेड टू द मैनेजमेंट सर्वर। तो ऑलवेज डू हॉस्ट इंटीग्रिटी चेकिंग, ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं एंटीवायरस, लेकिन ये सिर्फ विंडोज़ के लिए ही अप्लीकेबल है और अदर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। तो हम यहाँ पर विंडोज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो जैसे आप देखते हैं कि एंटीवायरस रिक्वायरमेंट, एंटी स्पाइवेयर रिक्वायरमेंट, फायरवॉल रिक्वायरमेंट, पैच रिक्वायरमेंट, सर्वर पैक रिक्वायरमेंट, कस्टम रिक्वायरमेंट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। अब जैसे एंटीवायरस रिक्वायरमेंट को ही सिलेक्ट करके ओके किया तो उसमें ऑप्शन ये आ गया। तो इसमें आप कंडीशन डाल सकते हैं कि क्या क्या हो। अब जैसे कि इसमें इसका ना कि कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल्ड हो, कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल हो और फुली पैच्ड हो, मदर डिफिनेशन उसके अपडेट हो, या आप पर्टिकुलर कोई ऐसा चीज़ है कि अगर एंटीवायरस इंस्टॉल ना हो तो ये अगर तो AVG हुआ, विड डिफेंडर, CA, कैस्पर्स्की, मैक, भी इस तरह के एंटीवायरस को भी आप इंस्टॉल करने के लिए मैसेज दे सकते हैं। जैसे AVG को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन डाउनलोड का URL भी डाल देंगे, जिससे कि यूजर के पास मैसेज आए। और उस केस में कि जब एंटीवायरस कोई इंस्टॉल नहीं है तब तो यहाँ पे URL से वो डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सके। और इसमें और भी चेक है, चेक करने का ऑप्शन है कि उसका डिफिनेशंस वगैरह अपडेटेड है या नहीं है। तो इस तरह के आप हॉस्ट इंटीग्रिटी एंटीवायरस के रिगार्डिंग आप चेक लगा सकते हैं। उसी तरह आप एंटी स्पाइवेयर, फायरवॉल के भी अगर कल सेलेक्ट किए और इसमें एनी फायरवॉल तो ओके, तो हमेशा फायरवॉल का चेक करता रहेगा कि फायरवॉल ऑन ऑफ है कि नहीं है। उसी तरह एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो ये इसमें बताता है कि आपका जो हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक का इंटरवल क्या होना चाहिए। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 2 मिनट का चेक रखा हुआ, चेक मिनट, तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, वैसे 2 मिनट ठीक है। और कंटिन्यू चेक करता रहेगा और 30 डेज तक इसको लॉक रखेगा। आप एडिशनल मैसेज टेस्ट कर सकते हैं कि अगर इस तरह के कंडीशन अप्लाई होता है और हेल्थ उसका कंप्यूटर का ठीक नहीं है, फुली पैच्ड नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, या समथिंग कुछ इस तरह का जो हमने हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक लगाया है, तो आपको एक मैनेजमेंट सर्वर की तरफ से एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो आप कुछ भी ऐसे मैसेज दे सकते हैं, प्लीज इंस्टॉल एंटी वायरस और कॉन्टेक्ट टू IT डिपार्टमेंट, समथिंग इस तरह का मैसेज दे सकते हैं। तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इस तरह आप हॉस्ट इंटीग्रिटी चेक लगा सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव अपडेट्स के बारे में बताऊंगा कि लाइव अपडेट्स क्या होती है और इसको लाइव अपडेट्स कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग IT सेशन लाइव।